प्रशांत किशोर ने किया खुलासा, नीतीश से हुई थी क्या क्या बात। नीतीश सीएम पद भी छोड़ दें तो भी उनके साथ नहीं करेंगे काम। नीतीश कुमार को हटाने के लिए भी जन स्वराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कभी भी नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो हवा का रुख भाप जाते हैं और वक्त से पहले ही पलटी मारकर अपनी कुर्सी को बचा जाते हैं। दो दशक से वो सत्ता में हैं, कभी बीजेपी के सहारे तो कभी आरजेडी के सहारे, लेकिन इस बार नीतीश की पलटी उल्टी पड़ती दिख रही है। दरअसल नीतीश पीएम बनने की इच्छा से एनडीए से अलग हुए थे। नीतीश को एहसास था कि एनडीए में रहेंगे तो कभी भी पीएम पद के दावेदार नहीं बन पाएंगे। अभी तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी और मोदी के बाद भी बीजेपी कभी भी पीएम पद से अपना दावा नहीं छोड़ेगी। बीजेपी पीएम पद से दावा छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही थी, इसलिए नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ ही छोड़ दिया। वैसे नीतीश कुमार भले ही ऐलान करते रहे हों कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के किसी भी नेता से पूछोगे तो एक ही जवाब मिलेगा, नीतीश विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार बनेंगे। जेडीयू की ओर से तो वो घोषित उम्मीदवार बन ही चुके हैं। नीतीश के सामने पीएम उम्मीदवारी के नारे लगाए जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर नीतीश सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अब ये मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होती दिख रही है। दरअसल नीतीश कुमार को पहला झटका सोनिया गांधी से हुई मुलाकात में ही लग गया, जब सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर नीतीश के पीएम पद की दावेदारी का समर्थन नहीं किया। फिर अखिलेश यादव भी उनसे दूर जाते दिख रहे हैं। ममता और केसीआर ने भी नीतीश के पीएम पद के दावे को भाव नहीं दिया। नीतीश को उम्मीद थी कि पीके इस मौके पर साथ देंगे। प्रशांत किशोर के लगभग सभी दलों से अच्छे कनेक्शन है, पीके उन्हें मनाएंगे, इसलिए नीतीश ने पीके से बात की, उन्हें अपने साथ आने का ऑफर दिया, कहा कि आप जेडीयू में आएंगे तो हम आपको सीधे पार्टी का अध्यक्ष बना देंगे। लेकिन पीके ने नीतीश के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो जन स्वराज यात्रा पर निकल चुके हैं और रोजाना नीतीश को लेकर नए नए खुलासे कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर तो नीतीश के पास जवाब होता था कि सत्ता चली गई है इसलिए अंड बंड बोल रहे हैं, ताकि दिल्ली वालों की नजर में नंबर बढ़ जाए। मेरे खिलाफ बोलने से उन्हें लाभ होता है तो बोलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पीके के मामले में नीतीश के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर खुलकर नीतीश पर हमले बोल रहे हैं। पश्चिमी चंपारण पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि 10 से 15 दिन पहले नीतीश कुमार ने मुझे अपने घर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि आप तो उत्तराधिकारी हैं, फिर हमारे खिलाफ ही यात्रा क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ आइए और पार्टी का नेतृत्व कीजिए। पीके ने दावा किया कि मैंने उनकी पूरी बात सुनी, बहुत लोगों ने हमें गाली लिखकर भेजी कि क्यों इनसे मिलने गए। नीतीश कुमार से मिलने इसलिए गए थे कि मिलकर उनको ये बता सकें कि कितना भी बड़ा प्रलोभन दीजिएगा, जनता से एक बार जो वादा कर दिए हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। उत्तराधिकारी बनाएं या कुर्सी खाली कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। दरअसल प्रशांत किशोर पहले भी जेडीयू के लिए काम कर चुके हैं। पहले उन्होंने चुनाव रणनीतिकार के रूप में जेडीयू के साथ काम किया और फिर 2018 में जेडीयू में शामिल भी हो गए। नीतीश कुमार से सीधा उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया। उपाध्यक्ष रहते हुए पीके की ताकत पार्टी अध्यक्ष से भी ज्यादा थी। पार्टी के अहम फैसले उनकी मर्जी से ही होते थे, लेकिन फिर 2020 आते आते नीतीश और पीके के रिश्ते खराब होना शुरू हो गए और फिर पीके ने नीतीश कुमार से दूरी बना ली, जेडीयू से भी इस्तीफा दे दिया। अब एक बार फिर नीतीश कुमार को पीके की जरूरत है। ये जरूरत बिहार में सीएम की कुर्सी के लिए नहीं है, वो तो अभी भी नीतीश कुमार के पास है। कब तक रहेगी ये सवाल जरूर है। नीतीश के निशाने पर इस समय पीएम की कुर्सी है और उस तक वो बिना पीके के मदद के नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे पीके की मदद मिल भी जाए तब भी नीतीश के लिए पीएम बनना आसान नहीं है। विपक्ष एकजुट भी हो जाए सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि चुनाव मजबूत बीजेपी से है, उसे हराए बिना काम नहीं चलेगा और इस काम में भी नीतीश को पीके की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज़।